नेपालपुर विधानसभा की दो नगर परिषदों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव संपन्न हुए, जिसमें नेपालपुर नगर परिषद में भाजपा की अनीता महेशपुरी गोस्वामी ने अध्यक्ष पद पर निर्विरोध जीत हासिल की, तो वहीं हातोद नगर परिषद में रीना मोतीलाल राजौरिया अध्यक्ष पद पर काबिज हुई, जिससे क्षेत्र में अब भाजपाई कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। दरअसल नेपालपुर नगर परिषद में अध्यक्ष पद के लिए अनीता महेशपुरी गोस्वामी को निर्विरोध जीत मिली, तो वहीं उपाध्यक्ष पद पर गोपाल कटेसरिया चुने गए। ठीक उसी तरह हातोद नगर परिषद में रीना मोतीलाल राजौरिया हातोद नगर परिषद अध्यक्ष पद के लिए चुनी गई। दोनों ही नगर परिषद के अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव प्रक्रिया का कांग्रेस ने विरोध कर दिया और कांग्रेस के जीते हुए पार्षद प्रत्याशी चुनाव प्रक्रिया में शामिल नहीं हुए। वासियों ने आशीर्वाद दिया है, हम उन पर खरा उतरे। जनता ने जो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास जताया है, हम जनता की उम्मीदों पे पूरा खरा उतरने की कोशिश करेंगे और विगत 15 वर्षों में जो नगर का विकास अवरुद्ध था उसको हम इस 5 साल में पूर्ण करने की कोशिश करेंगे। माननीय पूर्व विधायक मनोज जी पटेल के प्रयासों से ये परिषद का गठन हुआ है और उनके ही प्रयासों से हम नगर का विकास करेंगे। जीत के बाद अनुविभागीय एवं चुनाव अधिकारी रवि वर्मा ने जीते हुए प्रत्याशियों को प्रमाण पत्र का वितरण किया और शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न होने पर खुशी जाहिर की। नेपालपुर नगर परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के निर्वाचन की कार्यवाही संपन्न की है। टोटल हमारे यहाँ 15 पार्षद थे नगर परिषद नेपालपुर के, उसमें से 9 पार्षद ही उपस्थित हुए थे, शेष पार्षद अनुपस्थित रहे। 9 पार्षदों के उपस्थिति में ही कोरम पूरा होने से हमने अध्यक्ष पद के निर्वाचन की कार्यवाही की। तो केवल अध्यक्ष पद के लिए हमें एक ही नॉमिनेशन फॉर्म प्राप्त हुआ था, अनीता महेशपुरी का। तो चूंकि एक ही नॉमिनेशन प्राप्त हुआ था तो वो निर्विरोध घोषित हुई है अध्यक्ष पद पे। और ठीक इसी प्रकार उपाध्यक्ष पद हेतु गोपाल कटेसरिया जी का भी एक ही नॉमिनेशन प्राप्त हुआ था, तो वो भी निर्विरोध उपाध्यक्ष पद पे घोषित हुआ। इस दौरान कांग्रेसी विधायक विशाल पटेल के साथ बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता और जीते हुए पार्षद प्रत्याशी मौजूद रहे। पूरी चुनाव प्रक्रिया के दौरान जनपद परिसर के बाहर भाजपा के पूर्व विधायक मनोज पटेल भी मौजूद रहे और कार्यकर्ताओं के साथ जीत का जश्न मनाया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, दीपालपुर।